सोच रहे हो कहाँ जा रही है जिंदगी? जरा ठहरो, पता चल जाएगा। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें। एक और नए शानदार दिन में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज दिन है गुरुवार, भूल जाता हूँ ऐसे दिन, क्योंकि मतलब दिन से रिलेटेड काम नहीं रहता ना कुछ भी, डेट्स और उसमें फिर भी रहता है, बट दिन से रिलेटेड काम नहीं रहता, इसे भूल जाना होता है। आज गुरुवार का दिन है और काम है काफ़ी सारा, तो चलते हैं ऑफिस। ऑफिस जाने के पहले कुछ मीटिंग्स हैं, पहले रश्मि के घर चलते हैं, कार लेते हैं, फिर वो मीटिंग में जाते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से जाएंगे अपन ऑफिस। तो लेट्स स्टार्ट द डे ऑन अ गुड नोट, लेट्स डू इट। कल थोड़ी सी बारिश हुई और वापस से गाड़ी गंदी हो गई है, बड़ी समस्या है यार इस कलर के साथ में, ये सब चीज़ें दिखती नहीं दूसरी कलर की गाड़ियों में, इसमें दिखती है अलग से, चश्मे में बड़ा रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो आज ही सारे मेरे दोस्त जो हैं वो मतलब ऐसे कल रात को निकले केरल जाने के लिए, मेरी भी टिकट्स हुई थी वो फिर मैंने कैंसिल कराई, क्योंकि अभी फिर पापा लोगों के साथ भी जाना है, तो इसलिए फिर वो टिकट्स मैंने कैंसिल करा दी। आज वो सारे निकल गए, अभी आते आते मैं वही सोच रहा था कि यार मैं भी गया रहता तो अभी मैं ट्रेन में रहता हूँ लोगों के साथ, क्या मस्ती मजाक चल रहा होगा और वो लोग सारे गए होंगे। बट ठीक है, चीज़ें आपको, मैं नॉर्मली ऐसे ट्रिप्स तो कभी नहीं छोड़ता था, बट अब काम है, सारी चीज़ें हैं, तो फिर आपको क्या छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि अभी मैं जाता फिर वापस आके फिर जाता, फिर उसके बाद तुरंत थोड़े दिन बाद दिवाली आ जाएगी, तो ऐसे करके काम में भी तो आपको समय देना ज़रूरी है ना, तो इसीलिए ऐसे थोड़ा सा डिले हो गया। तो हम आए मीटिंग के लिए अटाली और दीपक से मिलना है अभी, तो दीपक भी आ ही रहा होगा, पहले दीपक से मिलते हैं, बातचीत करते हैं सारी चीज़ें, फिर आपको दीपक से भी बुलाता हूँ। तो दीपक भैया जी के साथ मीटिंग वापस से हमने कर ली है और बहुत देर तक हम लोग जब भी दीपक के साथ बैठते हैं तो बहुत लंबा बैठते हैं, क्यों? बहुत लंबा और बहुत सारी बातें हो जाती है, काम की बात तो होती है उसके साथ में, और भी दीन दुनिया की बहुत सारी बातें हो जाती है। तो स्टारबक्स खुलने वाला है, अगली मीटिंग प्रोबेबली हम स्टारबक्स में करेंगे, 27th को फिक्स कर लेते हैं का अलग अलग, क्योंकि ये स्टारबक्स का ऐसे फैन रहा है हमेशा से, स्टारबक्स बहुत बैठता रहा है ये, तो इसी के साथ ही जाएंगे सबसे पहली बार स्टारबक्स रायपुर का और आप लोगों को भी दिखाएंगे। चल भाई मिलते हैं, बाय बाय बाय। दादू बोल रहे हैं मेरे को कि अभी मत ले व्लॉग में, शाम को लेना। ऐसा थोड़ी होता है, कैंडिड है भाई व्लॉग हमारा, ऐसे प्लान करके भाई हमने खर्चे की एक और सीमा चालू कर दी नई तरीके से, हमें सुनील जी के सौभाग्य से, मेरे सौभाग्य से नहीं, दादू दादू को रश्मि ने आज तक कहा है ये आदमी खर्चीला है, तो धीरे 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 इस पर मोहर लगती जा रही है, आप भी बच के रहे, सतर्क रहे इससे। मैं दादू को कई समय पहले हम लोग प्लान किए थे कि यहाँ पे जियो फाइबर लगवा के मैचेस दिखाएंगे, तो आज फाइनली वो चीज हो रही है, तो बधाई हो आपको। एक साल में 12,000 हम बचा सके थे क्योंकि एक साल तक हमने नहीं लगाया, तो ये तो बंद कर देंगे ना, फिर क्या दिक्कत। तो दादू जिस खर्चे की बात कर रहे थे वो खर्चा पोस्टपेड जियो फाइबर का है, वो काफी समय से वहाँ पे जियो या कोई भी इंटरनेट लगवाना चाह रहे थे और उनको मिल नहीं रहा था, तो मैं उनको ये आइडिया दिया कि भाई मैचेस चलते रहते हैं हमेशा, तो और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो खाने आते हैं लेकिन उनको साथ में मैच भी देखना होता है, तो अच्छा एक प्लान ले लेंगे, तो उसमें वो चल जाएगा और लोग देख भी पाएंगे मैचेस। अभी एशिया कप है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप आएगा जिसमें बहुत सारे मैचेस होंगे, तो वो चीज़ उनको भी अच्छी लगी और इसलिए लगा रहे हैं, और बोले मैं खर्चा करा दिया, तो 400 का जो लगता है वो 800-900 का लग रहा है, ठीक है इतना तो बनता है। जब भी ऐसे भारी बारिश की चेतावनी होती है उस दिन ऐसे तेज़ धूप निकलती है सुबह, शाम को ऐसे थोड़ा सा मौसम ख़राब होता है, जैसे 6:30 के आसपास तेज़ बारिश शुरू हो जाएगी, ऐसा लग रहा है आज भी ऐसे ही रिपीट हो रहा है। लेट्स सी बारिश होगी नहीं होगी, बट अभी बूंदाबांदी शुरू हो गई हल्की फुल्की सी, और काम ही चल रहा है, बहुत सारा काम है, तो वो सारा काम निपटाया जा रहा है, और मैं सोचा बीच में आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट दे दिया जाए, और आप ऐसे तो कुछ खास है नहीं आज। तो निकल रहे अभी ऑफिस से, और ऑफिस से जाना है पहले रश्मि घर, वहाँ पे आंटी के पैर में थोड़ी प्रॉब्लम होती तो वो ठीक हो गई है अभी, बस एक बार रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना है, उनको लेके जाना है, इसलिए जल्दी निकल रहे हैं आज, 7 बजे, अभी 7 भी नहीं बजे, 7:45 ही हुए, निकल रहे हैं वहाँ चल के मिलते हैं आज। तो दुग्गल साहब का स्वागत करें व्लॉग में हमारे, बड़े दिनों बाद आ रहे हैं। दुग्गल साहब तांत्रिक बन के आए भैया, क्या कुछ अजब गजब चीज हो रही है, और दुग्गल साहब के साथ दुग्गल साहिबिन भी है, सही शब्द क्या होगा पता नहीं मेरे को, लेकिन हम लोग दोनों क्या दुग्गल की मिसेज दोगली, हम लोग आए हैं यहाँ पे समाधान के लिए, समस्या क्या है ये आपको जे जे बताएंगे, बताओ समस्या बताओ पहले। समस्या ये हो रही है कि भैया का ऐसा कहना है, हाँ, यहाँ सीढ़ी के पास कोई 3 या 4 टाइल्स है वो गर्म हो रही है यहाँ पे, ये छेदा करने की भी कोशिश की गई है, तो ये जो टाइल है ये गर्म हो रही है,
बहुत ज्यादा गर्म है क्या? हाँ गर्म तो है, डिसेंट गर्म है, मतलब ऐसा नहीं कि आदि से की बात में सच्चाई तो है। मेरे को लगा कहीं एकदम ही चट ना हो, ऐसे छूं और हाथ में ऐसे पीछे करना पड़ जाए। तो ये कर रहा था सोने की तैयारी और इसको हम लोग कर दिए अभी डिस्टर्ब। तो ये कर रहा है, चश्मे कट्टो है, कितनी छोटी आंखें हैं उसमें। और भाई अद्भुत जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। हाँ दिखा रहा है तुरंत कैमरा देख के। मैं ठीक हूं। सनसनी खेस खुलासे के लिए हम आए हैं सीधे आदित्य शुक्ल जी के पास। आप बताएं ये गरम जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है गरम? इंजीनियर बता चुके हैं, आप बताओ क्यों हो रहा है गरम, इसके पीछे का विशेष क्या वो है? ये खाना माना खाने के बाद हम लोग आके यहाँ पे चेक कर रहे हैं। क्या अभी भी है गरम? दो घंटे डेढ़ घंटे के बाद भी अभी भी गरम है ये? क्या है कारण तो बताओ। खाली पहुंचा रहे हैं अभी भी गरम है। और अच्छा खासा गरम है यार, मेरे को पहले लगा मतलब कितना ही होगा, लेकिन गरम है बढ़िया। कल पता चलेगा और कल आप लोगों को बताया जाएगा, खुलासा होगा। फोन करके बता देना आप क्यों हुआ है। किसी घर में ऐसा हुआ तो बताइए हमको। हाँ प्लीज बताइए, लेकिन जब तक आप लोग बताएंगे तब तक इसका समाधान निकाला जा चुका होगा। अगर कुछ मिलता जुलता रहेगा तो उसका मूल कैसे। तो ये लोग जा रहे हैं और हमारी गाड़ी जो है वो यहीं खड़ी है। तो बाय बाय, गुड नाइट आप लोगों को। यहाँ हम पहले बैठे थे 10 मिनट और फिर उसके बाद आदि भैया के घर गए थे, तो यहाँ का पार्ट में शूट नहीं कर पाया था। ये अपनी गाड़ी, चलते हैं घर। आ गए घर वापस और बहुत सारी बातें हुई, बहुत देर तक बैठे थे हम, अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, मज़ा आया काफ़ी। बहुत समय बाद ऐसा हुआ कि मैं जाके से प्रॉपर अच्छे तरीके से घर पे हैंग आउट कर पाया। तो आज का दिन यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं आप सभी लोगों से। तब तक गुड नाइट, शुभरात्रि, शब खैर। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, कैसे हैं आप सब? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें। और एक और नए शानदार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ऑफिस नहीं जाके सीधे हम जा रहे हैं उस लोकेशन पे जहाँ पे हमारा काम है। आज एक ब्रांड का मीट द टीम शूट करना है। मीट द टीम मतलब उनके जो टीम मेंबर्स होते हैं उनकी कहानियाँ सुनाते हैं हम उनके सोशल मीडिया पेज के जरिए। तो उनकी कहानियाँ मोस्टली मैं ही लिखता हूँ, तो जाके उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी कहानियाँ समझते हैं, सुनते हैं, और फिर उस ब्रांड की तरफ से एक एप्रिसिएशन पोस्ट की तरह उनकी पूरी कहानी जो है उनके ब्रांड पेज से जाती है, तो वो मीट द टीम कहलाता है। तो मीट द टीम का एक शूट है आज, तो बस वो शूट करने के लिए यहाँ से मैं पहले जा रहा हूँ रश्मि के घर, वहाँ से कार लेते हैं, फिर उसके बाद सीधे चलते हैं जहाँ हमको जाना है, और उसके बाद फिर आज का दिन जो है वो आगे बढ़ाते हैं। चलिए लेट्स डू इट। तो अभी भी जो शूट है हम लोगों का वो चल ही रहा है, एक साथ 6 टीम मेंबर्स का हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा। और क्योंकि मैं बैठे बैठे कहानियाँ ही वो कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ कुछ भी। तो सर बीच में आप लोगों को अपडेट दे दें, 4 हो चुके हैं, 2 बचे हुए, और समय तकरीबन 4 बज गए। हम लोग यहाँ पे आए थे 12 बजे और चालू किए थे तकरीबन 12:30 के आसपास। तो इतने देर में आज की कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत थोड़ी लंबी लंबी सी कहानियाँ, क्योंकि थोड़े मैनेजरल पोस्ट के सारे उनके कर रहे हैं। जब भी ये भी आएगा तो मैं लिंक डाल दिया करूँगा ताकि आप लोग देख सकें कि क्या कहानियाँ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। बस मैं सोचा आप छोटा सा जो अपडेट है वो दे दूँ, इसके बाद फिर जब निकलेंगे तब आप लोगों के साथ ही चलेंगे जहाँ भी है। शूट हो गया कंप्लीट और अब बस यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से जाना है ऑफिस। बट उस रास्ते में आएगा स्टारबक्स, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक स्टारबक्स रायपुर में चालू हो चुका है। चल के देखते हैं, अगर वो अलाउ करेंगे तो आप लोगों को स्टारबक्स दिखाते हैं खुलने के पहले। वो यहाँ पे खुल रहा है स्टारबक्स, नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबली आपको देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पे कोई VVIP वो चल रहा है, इससे पहले क्या है अभी 3 बजे तक ब्लॉगर्स का टाइम था तो तब वो अलाउ कर देते, बट हम लोग थोड़े से लेट हो गए इसलिए दे आर नॉट अलाउइंग, क्योंकि एक VVIP कोई प्राइवेट पार्टी चल रही है, प्राइवेट कुछ तो इवेंट चल रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाते हैं। तो वापस आ गए हम लोग ऑफिस और बहुत ज़्यादा समय लग गया जितना समय लगना नहीं चाहिए था। स्टारबक्स एक बार वापस जाके देखेंगे अगर वो होगा तो, क्योंकि प्राइवेट पार्टी थी, कब तक चलेगी पता नहीं, और होपफुली ना चले ज़्यादा देर तक। बट अगर नहीं हुआ तो कल सुबह का ऐसा भी कर सकते हैं कि हम सबसे पहले इंसान हों स्टारबक्स रायपुर जाने वाले, तो है सी अभी तक तो ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है, बट ऐसा मेरे दिमाग में आया कि ये भी किया जा सकता है, करके देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तो फिलहाल हम ऑफिस आ गए, ऑफिस में जो थोड़े बहुत काम है वो काम निपटाया जाए, फिर थोड़ा आराम भी किया जाए। वैसे तो आज का काम ज़्यादा टायरिंग नहीं था क्योंकि असलम और हिमांशी भी थे, नहीं तो नॉर्मली पूरा के लिए जब मैं करता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा टायरिंग हो जाता है। तो चलते हैं ऑफिस, अंधेरा है यहाँ पे। तो मयंक भाई सब आए हैं नीचे और कुछ लेने जाना है मेरे को अभिलाष के पास, तो वहाँ निकलते हैं। कार में नहीं जाना था इसलिए मैं मयंक को बुला लिया, मयंक नीचे आने बोला सीधे, होपफुली आ गया होगा।
आ गया है मयंक। इतना इतना पापी और दुष्ट प्राणी है ये, आज अकेले जाके आ गया ये स्टारबक्स। हम इसको मिडिल फिंगर दिखाएंगे बहुत जल्दी किसी दूसरे ब्रांड में ऐसे ही। और अभी ये गणेश जी के लिए अपने टेंट वेंट का जुगाड़ करने गया था। अच्छी जगह, बढ़िया, चलो चलते हैं। ये रायपुर का रास्ता है, मतलब क्या बोले इंसान। और ये ऐसे ही पिछले 300-400 मीटर से, और लोग यहाँ पे रोज़ आना जाना कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कुछ, क्या है ये मतलब। और ये एकदम सिटी के बीच है ना, ऐसा नहीं कि बहुत आ गया कहीं गांव में आ गए हम लोग। तो मैं ये लेने गया था अभिलाष के पास में, और लेके अभी आए हम लोग। ले दे के क्या ख़राब रास्ता था, क्यों मैं रायपुर शहर के बीचों बीच लग गया क्या तेरे पैर में भी? हाँ, पूरा पैर रखना पड़ गया था ना इसको। तो कल भाई स्टारबक्स खुल रहा है तुम्हारे शहर में, क्या कहना चाहोगे? हमारे अच्छी बात है। अच्छी बात, रायपुर अपग्रेड हो रहा है। और दुखी दुखी क्यों हो तुम? नहीं यार, बिल्कुल नहीं है, लग तो रहा है एकदम, बहुत दर्द में जीवन जी रहा हूँ टाइप का एकदम। दुख दुखो विलासी टाइप एकदम। तो बस ऊपर ये गेट क्या है, बंद हो जाता है 8:30 बजे, और अभी 9:15 बज गए। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं ऊपर, चाबी रश्मि के पास है, वो लेके आएगी, गेट खोलेगी, फिर हम यहाँ सीधे निकल ही जाएंगे। बस उसी का इंतज़ार है। बैक होम, और बहुत ही इवेंटफुल डे रहा, बहुत सारी चीज़ें हुई। आते आते भी बस मैं उंगली गेट पे से फंसा दिया, बहुत दुखता है यार ऐसे। तो काफ़ी मज़ेदार दिन रहा, बहुत मज़े किए, बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिली, नए लोगों से मिलने को मिला। नए मतलब ऐसे बाई फेस देखा था उनको पहले, लेकिन बातचीत करने का मौका आज पहली बार मिला। तो वो जो बोलते हैं नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, ऐसा हुआ बहुत सारे लोगों को। मेरे को लगता था देख के रूड होंगे, पता नहीं कैसे होंगे, वो बहुत अच्छे निकले। तो ऐसा होता है जब आप किसी को भी ऐसे जज नहीं करना चाहिए, इसलिए किसी की परिस्थिति कैसी है, कौन कैसे रह रहा है, इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, डेवलप हो जाती है विद टाइम। तो इसलिए प्रिजुडाइस में नहीं जीना चाहिए, पहले से किसी के लिए मन में ख्याल नहीं बनाने चाहिए। और ऐसी छोटी मोटी सी जिंदगी में रोज़ाना मिलती रहती है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगा तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी किसी वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोग ख्याल रखिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर।